इमरान मसूद को बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। देर रात 3:30 बजे इनके घर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। आज इन्हें अभी से कुछ देर पहले ही कोर्ट में पेश किया गया। और जहां तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, उनमें भी जो जो प्रकरण है जिसमें मॉडल कोड ऑफ का वायलेशन की शिकायत आती है, वहां पे कार्रवाई करनी है। एक माहौल बिल्कुल एक परफेक्ट एक कंजेनियल एनवायरनमेंट बना रहना चाहिए। कोई यही निर्देश भी है कमीशन की ओर से और यही हम लोगों का भी प्रयास है कि जो भी वहां पे कैंडिडेट्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज से भी आग्रह किया जा रहा है लगातार कि उनका कंडक्ट ऐसा हो जो एक बेहतर माहौल दे इलेक्शन के लिए, और उसमें यदि कहीं भी कोई बाधा आती है जो भी उसको तोड़ने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। इमरान मसूद वाले मामले में क्या अभी तक आपके पास रिपोर्ट्स आए हैं? देखिए, जो जो सूचना प्राप्त हुई है जिला प्रशासन से उसके अनुसार जो भी धाराएं का उल्लंघन उनके संज्ञान में आया है उस मामले में उन्होंने उसमें FIR दर्ज किया है और अरेस्ट की भी जानकारी हुई है। इसमें जो भी नियम है जो भी लॉ है उस वो अपना नेचुरल कोर्स फॉलो करेगा। इसमें क्या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कैंडिडेट विड्रॉ करने की भी बात आ सकती है अगर इस तरीके के वायलेशन से अगर होते हैं? देखिए, जो नियम है नियम के अंतर्गत कैंडिडेट विड्रॉ करना नहीं विड्रॉ करना ये तो पार्टी का अधिकार है और पार्टी अपने हिसाब से जो भी निर्णय लेंगे वही निर्णय होगा। लेकिन जहां तक नियम की बात है या जब तक वो कोई कन्विक्ट नहीं होता है तब तक उस और जो 2 साल से ज्यादा की धाराएं हैं उसमें कन्विक्ट नहीं होता है तब तक उसका कैंडिडेचर बना रहता है। जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि ये 6 महीना पुराना वीडियो है और 6 महीने पुराने वीडियो पे कार्रवाई नहीं करती। देखिए, ये तो जांच का विषय है। इसमें तो जिला प्रशासन जब फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा और या कर रहा है उसमें जो भी पुलिस को नियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई करनी है वो करेंगे। तो चुनाव आयोग के अधिकारी को आपने सुना, उनका कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन इसे माना जाएगा। हालांकि कांग्रेस अपनी तरफ से दलील दे रही है, यूटर्न है। कांग्रेस का कहना है कि ये जो CD दिखाई जा रही है, जो वीडियो जारी किया गया है, 6 महीने पुराना है। न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता राजेश जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, इमरान मसूद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको कल भी बताया था, आप सभी भी देख रहे हैं, इमरान मसूद को गिरफ्तार किया गया 3:30 बजे और लगभग 500 पुलिसकर्मी गिरफ्तारी में शामिल थे, पूरे जनपद की पुलिस शामिल थी, SO से लेकर SSP तक। अब इनको जो है देवबंद, क्योंकि थाना देवबंद में मामला दर्ज हुआ था तो थाना देवबंद में इनको इमरान मसूद को भारी पुलिस बल की तैनाती करके वहां पेश किया गया अदालत में ACGM के यहाँ। तो वहां का 2 घंटे वकील की बहस की गई और आखिर में जो है अदालत ने, माननीय अदालत ने इनको 14 दिन न्याय के हिरासत में भेजने का आदेश दिए। राजेश, हालांकि इमरान मसूद का ये कहना है कि इस तरह के शब्दों का मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया है, कांग्रेस उनके बचाव में उतर आई है, कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है कि पुराना वीडियो है, लेकिन कानूनी कार्रवाई है, कानून अपना काम करेगी, अब 14 दिन तो जेल में बिताने ही होंगे। जी शिवानी, देखिए, जैसे कल इमरान मसूद ने कहा था कि मैंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही, ना मुझे इन बात के लिए कोई खेद है। इस संबंध में जब थोड़ी देर पहले मेरी SSP साहब से बात हुई है, SSP साहब का कहना है बात 6 महीने 4 महीने पुरानी की नहीं है कि कब की ये वीडियो है, लेकिन इतना है कि आचार संहिता को लेकर मामला दर्ज नहीं हुआ, ये मामला संगीन धाराओं में दर्ज किया गया है, इससे आचार संहिता कोई फर्क नहीं पड़ता, ये CD आज की हो या 6 महीने पुरानी हो, उन्होंने जो कुछ कहा है, जिस तरह की धमकी दी है, वो एक संगीन अपराध है, उस अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और कोई भी यदि व्यक्ति ऐसे करेगा चाहे जितना बड़ा उसको बख्शा नहीं जाएगा। शिवानी, जानकारी के लिए राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था और इमरान मसूद, जिन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया, उन्हें कोर्ट में अब से कुछ देर पहले पेश किया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि सहारनपुर में 10 अप्रैल को मतदान होना है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो उनकी उम्मीदवारी को नहीं हटाएगी। और आपको यह भी बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। वो गुजरात समझ रहा, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद को बीजेपी के PM उम्मीदवार
नरेंद्र मोदी को धमकी देना महंगा पड़ा। शुक्रवार रात भारी पुलिस की मौजूदगी में इमरान मसूद को गिरफ्तार कर लिया गया। आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया है इन आरोपों में और अब आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कोई बाधा नहीं है इसमें, जो है सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इनकी गिरफ्तारी कराई गई है और ये गिरफ्तार हो गए हैं। अब आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी, अब जो भी लीगल कार्रवाई है हम लोग करेंगे। इमरान मसूद पर 153A दो गुटों में दुश्मनी बढ़ाने, 295A जानबूझकर धार्मिक भावना भड़काने, IPC की धारा 504 शांति भंग करने की कोशिश और 506 हत्या की धमकी देने के तहत केस दर्ज किया गया था। वीडियो फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुई, जिसके अवलोकन से हम लोगों को इसमें एक मुकदमा थाना देवबंद में पंजीकृत कराया गया अंडर सेक्शन 150A 295A 504 506 IPC 125 RP एक्ट और 3110 SC ST एक्ट इनके विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसके इमरान मसूद के विवादित बयान के बाद BJP ने इमरान मसूद की गिरफ्तारी की मांग की थी। इस धमकी देने के नजरिए से इनको सबसे पहले जेल होनी चाहिए। वहीं विवादित बयान पर हंगामा होने के बाद इमरान मसूद की सफाई भी आई थी। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया था। नहीं नहीं, मैं बोटी वोटी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहां से आया है, मुझे नहीं समझ में आया, मैं तो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ही नहीं करता हूं। फिलहाल आज राज्य चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद इमरान मसूद के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजेश जैन, न्यूज एक्सप्रेस, सहारनपुर।